बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शायर ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यामत कब आएगी? तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे नहीं मालूम कब आएगी। तो शायर ने कहा कि कोई निशानी तो बता दें। तो आपने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ को जलील करेगी तो क्यामत आएगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमर, दरमियाना कद, रंग काला, जिस्म पर एक सफ़ेद दाग। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हुलिया ऐसे बयान किया जैसे सामने देख रहे हों। जब वो आए तो तुम दोनों ने इससे दुआ कुर्बानी है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अवैस करने की दुआ की ज़रूरत नहीं थी। ये उम्मत को पैगाम पहुंचाने के लिए है कि माँ का क्या मकाम है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हैरान हो गए और सोचने लगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि हम अवैस से दुआ करवाएं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर अली, अवैस ने माँ की खिदमत इस तरह की है, जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह इसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल खलीफा रहे, 10 साल हज किया, लेकिन इन्हें अवैस ना मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाओ। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीला खड़ा रहे। फिर कहा, मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ करण वाले खड़े रहो। तो मुराद कबीले वाले बैठ गए, सिर्फ एक आदमी बचा। और हजरत उमर ने कहा कि तुम करनी हो? तो इस शख्स ने कहा कि हाँ, मैं करनी हूँ। तो हजरत उमर ने कहा कि अवैस को जानते हो? तो इस शख्स ने कहा कि हाँ, जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है, मेरा सखा भतीजा है, इसका दिमाग ठीक नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हजरत उमर ने कहा कि मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। आपने पूछा किधर है? तो इसने कहा कि आया हुआ है। पूछा कहाँ गया है? तो इसने कहा कि वो अरफात गया है ऊँट चराने। आपने हजरत अली को साथ लिया और अरफात की दौड़ लगा दी। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चर रहे हैं। ये आकर बैठ गए और अवैस करनी की नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। जब हजरत अवैस ने महसूस किया कि दो आदमी आ गए तो इन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी, सलाम फेरा। तो हजरत उमर ने पूछा, कौन हो भाई? तो कहा, जी मैं मजदूर हूँ, इसे खबर नहीं कि ये कौन है। तो हजरत उमर ने कहा कि तेरा नाम क्या है? तो अवैस करनी ने कहा कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा। तो हजरत उमर ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो हजरत अवैस ने कहा कि आप कौन हैं? हजरत अली ने कहा कि अवैस ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब हैं और मैं हूँ अली इबन अबी तालब। हजरत अवैस का ये सुनना था कि वो कांपने लगे। कहा कि जी मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं था, मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ। तो हजरत उमर ने कहा कि तू ही अवैस है? तो इन्होंने कहा कि हाँ, मैं ही अवैस हूँ। हजरत उमर ने कहा कि हाथ उठा और हमारे लिए दुआ कर। वो रोने लगे और कहा कि मैं दुआ करूँ? आप लोग सरदार और मैं नौकर आपका, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँ? तो हजरत उमर ने कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उमर और अली जैसी हस्तियों के लिए हजरत अवैस के हाथ उठवाए गए, किस लिए? इसके पीछे जहाद नहीं, तबलीग नहीं, तसव्वुफ नहीं, इसके पीछे माँ की खिदमत है। जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हजरत अवैस करनी भी चलेंगे। इस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बाकियों को जाने दो और अवैस को रोक लो। इस वक्त हजरत अवैस करनी परेशान हो जाएंगी और कहेंगे कि ऐ अल्लाह, आपने मुझे दरवाजे पर क्यों रोक दिया? तो मुझसे इस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि पीछे देखो। जब पीछे देखेंगे तो ऐसे करोड़ों अरबों की तादाद में जहन्नमी खड़े होंगे। तो इस वक्त अल्लाह फरमाएगा कि अवैस, तेरी एक नेकी ने मुझे बहुत खुश किया है, माँ की खिदमत।
तू उंगली का इशारा कर, जिधर जिधर तेरी उंगली फिरती जाएगी मैं तेरे तुफैल इनको जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सुबहानअल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें।